हम बात कर रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिपार्टमेंट आपस में कैसे रिपोर्ट भेजते हैं क्या करते हैं मतलब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम कैसे डील करता है सब अकाउंट सब सब डिपार्टमेंट्स अलग अलग जो डिपार्टमेंट है जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है अभी अकाउंटिंग से डील करता है ह्यूमन है वो अकाउंटिंग से डील करता है तो क्या रिपोर्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट भेजेगा पूर्व परफॉर्मेंस का तो उसके हिसाब से वो वेजेस भेजेगा सेम वे ये कैलकुलेशन करेगा ह्यूमन रिसोर्स कि किसके कितने ड्यूज बाकी हैं उसके हिसाब से वेजेस होंगे देन

कॉन्टैक्ट क्रिएशन होते हैं क्योंकि आप जो सप्लायर है कस्टमर है उनके साथ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हो उनके ऑर्डर्स की एंट्री कर रहे हो डिस्पैच कर रहे हो और बिलिंग कर रहे हो ये सारा काम मार्केटिंग कहते हो ये सारा इंफॉर्मेशन दे विल गिव इट टू अकाउंट ऑफिस तो उसके बेसिस पर रिपोर्ट बनेगी सेम वे मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लान और स्केड्यूल्स बनाएगा अगेन मटेरियल कोई भी रिक्वेजेशन आ रही है जॉब कार्ड्स क्या होते हैं कि जो जो वर्कर होता है वो कितने टाइम के लिए काम कर रहा है कितने से कितने टाइम तक आया तो वो टाइम का मैनेजमेंट सारा का सारा जॉब कार्ड में होता है तो मटेरियल कितना गया उसका इन्वेंट्री कितनी इश्यू हुई है उसका ऑर्डर कितना आपका रॉ मटेरियल का आगे जा रहा है तो उसका बिलिंग भी होगा उसका इन्वाइसिंग भी होगा वेंडर के को कैसे आप हैंडल कर रहे हो पेमेंट कैसे करोगे वेंडर को ये सारी रिपोर्ट्स आपको मैन्युफैक्चरिंग ए आई एस को देगा तो बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या हुआ इन सब से रिलेटेड इन सब चीजों में अकाउंट्स यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पैसे का ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है क्या हो रहा है उस सब को हम डील करेंगे ए आई एस से मैनुफैक्चरिंग से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड बेसिकली किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट आपका अगर ए आई एस के अंदर एड होता है तो वो सारे अपने इन्फॉर्मेशन भेजते हैं आई आई एस को यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डालते हैं उसी बेसिस पे कैलकुलेशन होता है उसी बेसिस पे हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का कैलकुलेशन होता है तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सब सिस्टम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का तो बेसिकली आपका बड़ा ब्रॉडर पार्ट क्या है MIS. इसे आप आगे भी पढ़ोगे ग्रेजुएशन में एक पूरा सब्जेक्ट है आपके लिए मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम तो आप समझ पाओगे कि हर डिपार्टमेंट कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसी बेस पे मैनेजमेंट भी कैसे डिसीजन लेता है अच्छे से पढ़ोग ये बहुत इजी है क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है और सारी चीजें लॉजिकल है कनेक्टेड है अप्लाइड है तो इसीलिए इजी है तो आप इसको समझो पढ़ो बहुत इजीली आप इसके आंसर्स को कर पाओगे थ्योरी पढ़ना सुनना आसान है बट लिखना उसके लिए आपको रीडिंग बहुत जरूरी है तो रीड एवरीथिंग विच इज इन योर गिवन इन योर बुक एंड इवन योर ठीक है तो हर चीज को रीड read करो रीडिंग इज द इनपुट फॉर उटपुट ऑफ योर राइटिंग हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कंप्यूटर के अंदर है अगेन जो समझ में नहीं आए दोबारा रिव्यू करो दोबारा एक बार देखो अगेन क्वेश्चन सोल्व करो आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आराम से इजिली बट काम डाउन होके प्रॉपरली प्रिपेयर करो